देखिए हमारे समाज में अभी भी लड़का और लड़की के प्रति असमानता है, भले उसे माने या ना माने। अभी भी आप समाज में देखिएगा कि लड़कों को अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ने का अधिक अवसर मिलता है और लड़कियों को कम। इसका मतलब यह थोड़ी है कि लड़कियों में विद्वता कमी है, टैलेंट की कमी है, वह कम होशियार, ऐसा बात नहीं। यह हमारी सामाजिक मान्यता है। जैसे अभी क्या होता है, किसी लड़की को हम बेटा कहते हैं, लेकिन किसी लड़का को बेटी कहते हुए किसी को आप नहीं सुनिए। यह जेंडर विभेद है। जेंडर जो होता है एक सामाजिक परिकल्पना है, कोई लड़की है कोई लड़का है। इसके लिए जो आप लोग अगर पढ़िएगा जब भविष्य में, सेक्स और जेंडर, सेक्स जो होता है वह प्राकृतिक होता है, जिसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन जेंडर जो होता है वह हमारे समाज की संरचना है और वह समय के साथ बदलता है। लड़का को हम लड़की के रूप में, बेटी के रूप में देखना पसंद नहीं करते हैं। देखिएगा किसी लड़का को आप फ्रॉक पहनते हुए देखें, एक्ट करने वाले को छोड़कर, लेकिन लड़का को की जगह पर अगर लड़की को देखिएगा तो बहुत सारे माता पिता शौक से भी पैंट शर्ट पहनाते हैं, टी शर्ट जींस पहनाते हैं, नहीं पहनाते हैं, जो लड़कों का परिधान होता है शौक से भी पहनाते हैं और बेटा कहते भी, पुकारते भी हैं बेटा कहते हैं। यह सामाजिक संरचना है, अभी भी विभेद है। समय के साथ इसमें बहुत सारी सुधार हुआ है, समाज सजग हुआ है और बहुत सारे उदाहरण आए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने, राष्ट्रपति बनी, कल्पना चावला जैसे अंतरिक्ष में जाने वाली बनी, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ने अपना नाम कमाया, क्रिकेटर में बहुत सारी चीज़ों ने। तो धीरे धीरे यह मान्यता टूट रही है, लेकिन अगर कहा जाए कि 100% से खत्म हो गया, ऐसी बातें नहीं है। अभी भी लड़कियां बहुत सारी सीमाओं में है, अभी भी लड़कियां बहुत सारी सीमाओं में है, जिस कारण से लड़की की शिक्षा, उसके नैतिक स्तर, उसके आत्मविश्वास में कमी आती है। आपको कहा जाता है इतना बजे तक घर चले आना, कहीं और नहीं जाना, जबकि लड़का अपने मन से भी चलता है। ये सब विभिन्नता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। शहरों में थोड़ा कम है, गाँव में अभी भी है कि लड़का को हम पढ़ने की छूट देते हैं, साइकिल वगैरह से कहीं चला जाता है, लेकिन लड़की में अभी भी प्रतिबंध है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, जो मनुष्य अपने उपयोग लायक जिसे बना लेता है, या जो मनुष्य के उपयोग लायक है या हमारे उपयोग लायक है, वह हमारे लिए संसाधन है। आदि काल में जब तांबा की खोज नहीं हुई थी, लोहा की खोज नहीं हुई थी, उस समय वह हमारे लिए संसाधन नहीं था, लेकिन जब उसकी खोज हो गई, उससे हथियार बने, तो वह संसाधन हो गए। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित। जितने भी संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधनों में ही रूप परिवर्तित करके उपयोग लायक बनाया गया है। कुछ चीजों को हम सीधे ग्रहण नहीं कर पाते, तो उसे उपयोग लायक बनाया जाता है। पेड़ का छाल हम सीधे नहीं पहन सकते, और उसी पेड़ के छाल से ऊन को डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, भेड़ के बाल को डायरेक्ट नहीं, लेकिन उससे चद्दर, शॉल, कपड़ा बनाते हैं तो उसे उपयोग करते हैं। साथ में और भी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, और मानव भी एक संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है। कैसे मानव एक संसाधन है? अगर आपसे पूछा जाए कि मानव कैसे संसाधन है, तो क्या कहिएगा? जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, तो खाना कोई परोस कर देता है? वो व्यक्ति ही ना देता है, वो हमारे लिए संसाधन है। आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, कोई शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, ये माध्यम बुक है, लेकिन पढ़ाने की जो कला है, पढ़ाने से आपको समझ में आता है, तो मनुष्य भी संसाधन है। जैसे कि ड्राइवर के रूप में, नौकर के रूप में, झाड़ू लगाने के रूप में, प्यून के रूप में, बहुत सारे काम अपने श्रम शक्ति का प्रयोग करते हुए लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं, ये सारे क्या है, संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वह दो प्रकार के, एक होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसे कहते हैं, जिसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय कहते हैं। और सामान्यतः देखा जाता है कि नवीकरणीय जितने भी स्रोत होते हैं वह काफी मात्रा में होते हैं, असीमित होते हैं। जैसे कि वन क्या है, पेड़ पौधे क्या है, नवीकरणीय, फिर उसको हम काट लेते हैं तो फिर लगा देते हैं। ये मानव की बेवकूफी है कि 10 पेड़ काटता है और एक पेड़ लगाता है, जिस कारण से उसकी कमी महसूस हो रही है, नहीं महसूस हो रही है? लेकिन पेड़ पौधे जो हैं वह नवीकरणीय स्रोत हैं, नवीकरणीय संसाधन हैं, उसका हम फिर से उसको ला सकते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश, जल भी नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन हमारे पृथ्वी पर पीने लायक जल की मात्रा बहुत कम है, केवल 1%, उससे भी कम है,
1% पृथ्वी पे जल है, लेकिन उसमें से 3% जल जो है वह क्या है, अलवणीय है, अलवणीय है, और उस अलवणीय जल में 1% ही पीने लायक, बाकी 2% जो है वह बर्फ के रूप में, तो पिघलेगा तब ना पिएंगे। बाकी जो हम लोग यहाँ तरल के रूप में पीते हैं भूगर्भीय जल या जो भी, उसकी क्वांटिटी पूरे अर्थ पर 1%, इसलिए जल संकट हो सकता है आने वाले समय में। बहुत शहरों में आप देखे होंगे कि पीने के पानी 20 रुपये बोतल में मिलता, अपने यहाँ आसानी से मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में अब जल की किल्लत होने लगी है। यह भी इसकी सीमित भंडार है, लेकिन देखने से क्या है, बहुत सीमित है। समय पर इसका अगर सही से सदुपयोग नहीं किया जाए तो आने वाले समय में कमी हो, और कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला एक बार यूज किए वो खत्म हो जाएगा, उसको बनने में हजारों साल लगेगा, लाखों साल लगेगा, उसे अनवीकरणीय कहते हैं, जिसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय, ठीक है। और नवीकरणीय में जो है क्या बताए थे, एक सतत चलते रहता जो कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि पवन सौर ऊर्जा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं, करोड़ों साल लगेगा। और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये अनवीकरणीय के दूसरे भाग होते हैं, जैविक भाग होते हैं। अगर हम वन्य जीवों का संरक्षण नहीं करेंगे तो वह खत्म हो जाएगा, है तो संख्या में एक बच्चे से बकरी है तो उसके दूसरे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अगर उसकी संख्या बहुत अधिक खत्म करेंगे, प्रजनन दर कम हो जाएगा, जैसे शेर धीरे धीरे, चीता धीरे धीरे कम खत्म होते जा रहा है, हाथी कम होते जा रहा है, बच्चे तो जन्म कट दे सकते हैं, लेकिन उसका संरक्षण नहीं होने के कारण क्या रहा, उसकी संख्या बहुत लगातार घट रही है, गिर रही है। उसी प्रकार से अनवीकरणीय में भी दो भाग होते हैं, जो पुनः चक्रीय होते हैं जो धातु कहलाते हैं, और जो चक्रीय नहीं होते हैं जिसे अचक्रीय कहते हैं उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला को फिर से प्राप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारे पास कोई लोहा का मेटल है, गेट बनाए हुए हैं, उसको फिर से गलाकर दूसरा रूप दिया जा सकता है। लोहा भी खत्म होने वाला चीज है, सारा उपयोग कर लेंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास लोहा है उसको गलाकर पिघलाकर फिर दूसरा स्वरूप दे सकते हैं, लेकिन कोयला को एक बार जला दिए तो वह क्या हो जाता है, पेट्रोल को एक बार जला दिए तो क्या हो जाता है, डीजल को जला दिए तो खत्म हो जाएगा, फिर वह वापस इतना समझने में कोई दिक्कत। और मानवीय संसाधन जो संरचनाएं संस्थाएं है, गुणवत्ता है, मात्रा है, ये सब मानवीय संसाधन, जितना भी सेवा है वो मानवीय संसाधन, इतना समझने में कोई दिक्कत। और प्राकृतिक संसाधन और मानव नहीं, मनुष्य भी एक संसाधन है। देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, मतलब संसाधन को हम लोग कई भागों में बांटे हैं और कई तरह से अलग अलग, ठीक है। अगर उसके विकास के स्तर पर देखा जाए तो संभावी संसाधन है, विकसित संसाधन है, भंडार है और संचित कोष है, ये सब अलग अलग भाग, ठीक है। जैसे कि ये पर्यावरण से संबंधित आपको ये पूछा जा सकता है कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 ईस्वी कब हुआ था, दूसरा कब हुआ, उसमें 5 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ देना है, 5 92 5 कितना हो जाएगा, तीसरा पूछेगा तो फिर 5 जोड़ दीजिए, 97 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी। ये 5-5 वर्ष पे 3 बार हुआ है, रियो डी जेनेरियो का ये सम्मेलन है, जिसमें 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन किस स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। देखिए हम लोग इसका बहुत दुरुपयोग करते हैं, जिसके पास पैसा है बिना मतलब से मोटरसाइकिल घुमाते रहता है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि भावी पीढ़ी के लिए यह क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, डीजल मिलेगा ही नहीं, इतना समझने में कोई दिक्कत। संसाधन का नियोजन आवश्यक है, ठीक है, अर्थात संसाधन जितने भी हैं उसका उपयोग करना हमारा काम है, कर्तव्य है, उसका उपयोग कर सकते हैं, अधिकार है, लेकिन अगर उसका सही उपयोग नहीं करते, बिना मतलब के हमारे पास पैसा है 10 किलो चावल बनाते हैं खाते हैं 100 ग्राम बाकी को फेंक देते हैं, यह हो गया दुरुपयोग, इसका नियोजन नियंत्रण होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं पहले से, इतना समझने में कोई दिक्कत। उसके बाद इसमें आपको मिट्टी के बारे में पढ़ना है, मृदा भी संसाधन के रूप में है, समय के साथ इसमें उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलती अगर करते हैं तो वह आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। थोड़ा एक आपको छोटा एग्जांपल बताते हैं। ये हमारा देश है, एक एवरेज नक्शा बनाते हैं, यहाँ गुजरात हो गया, लगभग ऐसे बढ़ते गए अरुणाचल प्रदेश, नहीं लगभग मिलता नहीं, ऐसे ही भारत का नक्शा है। पूरी गलती हमारे लिए कितना नुकसानदायक होगा, लगभग वन भारत का नक्शा। अगर कोई यहाँ तमिलनाडु में है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, पूरा एक चक्कर कोई चीज घूम जाएगा तो 360 डिग्री होगा। अगर यहाँ से हवाई जहाज हुआ और यहाँ हमको जाना है, यहाँ मान लीजिए यहाँ जाना है, ये एरिया क्या है, पाकिस्तान है, आपको पता है। अगर थोड़ा गलती हम यहाँ से नाक के सीधा में आएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, नाक के सीधा में तो डायरेक्ट सीधा आएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखिए शुरू में थोड़ा गलती किया गया, क्या किया गया, इसको यहीं से एक डिग्री झुका दिया गया। जानते हैं एक डिग्री बहुत छोटा लगता है, लेकिन वह निरंतर अगर होगा, लगातार गलती होगा, ये जानते हैं हमको जाना था दिल्ली, अब पहुँच जाएंगे कहाँ, पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे पाकिस्तान। थोड़ी गलती क्या है बाद में बहुत बड़ा परिणाम देता है। तो संसाधन का भी अगर दुरुपयोग थोड़ा थोड़ा अगर अधिक करते हैं, पानी हमको 20 लीटर में काम चल जाए, 5 लीटर बढ़ा के करते हैं तो महीना में 30-35 कितना हो जाएगा, 150 लीटर अधिक बर्बाद हो गया। थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा 5 एक ही लीटर मान लीजिए। इसी प्रकार धन संचय से भी होता है, आपको लगता है कि 1 रुपया, लेकिन 1 रुपया रोज दिन जमा करेंगे तो साल में 365 रुपया जमा हो जाएगा। बचत भी उसी प्रकार से, अगर 1 लीटर रोज दिन बचाते हैं तो भावी पीढ़ी के लिए हम वर्ष में 365 लीटर बचा सकते हैं, और 1 अधिक खर्च कर देते हैं तो 365 खत्म हो जाएगा। छोटी गलती क्या होता है, बड़े नुकसान को देता है। कोई दिक्कत, पहले चैप्टर में है लॉ एस किस प्रकार का संसाधन है, तो क्या बताइएगा जवाब, उसका रूपांतरण कर सकते हैं, लेकिन क्या है उसका असीमित भंडार नहीं है, जिसका असीमित भंडार नहीं है सब अनवीकरणीय है। कोई दिक्कत, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, इसमें होगा आपको पुनःपूर्ति योग, मानवकृत, अजैव और अचक्रीय। इसमें जो है पुनःपूर्ति योग जो बात है वह गलत है, ज्वार भाटा जो है पुनःपूर्ति होता है, आते रहता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य का निम्नीकरण समझते हैं क्या होता है, और कोई भूमि निम्नीकरण का समझते वो नहीं होता, लेकिन इसको अच्छा समझाएंगे तो समझना है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई निम्नीकरण का। पंजाब में निम्नीकरण का अर्थ होता है किसी भूभाग में किसी चीज की अधिकता कर देना, मतलब पंजाब में इतना सिंचाई होता है कि कुछ जगह पर पानी जमा हुआ रह जाता जो सालों भर खत्म नहीं होता, नहीं सूखता, और जब नहीं सूखता है तो क्या होता है, वह जमीन उपजाऊ लायक नहीं रहता था, उसमें खेती नहीं हो पाती, कहीं कहीं जंगलों में आग लगा दिया जाता है जिससे उसका ह्यूमस खत्म हो जाता है। ढलान वाला एरिया में पेड़ काट लिया जाता है, मट्टी बह जाता है, उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है, इसको कहते हैं निम्नीकरण। कई कारण हैं इसमें, जिसमें पंजाब की बातें अगर करें तो सिंचाई जो है ये मुख्य कारण है निम्नीकरण। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, उत्तराखंड, सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेत कहाँ होता है, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, महाराष्ट्र में, नहीं महाराष्ट्र में कपास की खेती अधिक होती है, वहाँ काली मृदा पाई जाती है। अगर आप पूछा जाए कि 3 राज्यों का नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है तो क्या क्या कहिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी होता है, याद दार कर लीजिए कम से कम, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा। अब पूछा जाए कि काली मृदा किस खेती के लिए अधिक उपयुक्त होता है, कपास की, किसके लिए, कपास की खेती के लिए। उसके बाद पूर्वी तट में नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है,
जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जैसे भारत के अधिकतर भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर पूर्वी तरफ के नदी डेल्टा की बात करें तो कौन सी मृदा होगा? जलोढ़। उसकी खासियत क्या होती है? अधिक उपजाऊ होता है और इसमें बहुत कम उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पोटास, फास्फोरस ये सब पहले से ही, कैल्शियम भी रहता है, चूना जिसको कहते हैं, ये सब युक्त रहता है, जिस कारण से क्या होता है इसमें आपको कम उर्वरक देने की आवश्यकता। साथ में जलोढ़ मृदा में खेती करना सरल होता है, वह भुरभुरा होता है, कठोर नहीं होता, जोताई वगैरह करना, रोपाई करना सरल होता है, ठीक है, ये सब उसके खासियत। तो ये सब आपके सवाल हैं संसाधन से, इतना समझने में कोई दिक्कत भी नहीं को।